बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरा आपसे बात करने का मकसद सूबे सिंध में कोरोना वायरस बारे में आगाही देनी है। सिंध सूबे में 5 अप्रैल आज सुबह 8 बजे तक 8,931 केसेस टेस्ट किए गए। इन 8,931 में से 881 यानी 881 पॉजिटिव टेस्ट आए। इन पॉजिटिव टेस्ट के जो 26 फरवरी से शुरू हुए थे उनमें अभी तक 123 अफराद रिकवर करके घरों को जा चुके हैं। और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल ये 24 घंटे जो मैंने बताया आपको 4 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेके 5 अप्रैल सुबह 8 बजे तक 68 नए अफराद इस मर्ज से क्योर हुए हैं। और इन 68 अफराद की डिटेल भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा जो अफसोसनाक खबर यह है कि 15 लोग इस वायरस की वजह से आज सुबह 8 बजे तक अपनी जान दे चुके हैं। इसका मतलब है कि टोटल 881 में से अब 743 अफराद कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हैं सिंध में। और इन 743 अफराद की ज़रा डिटेल भी मैं आपको दे दूं, इनमें से 380 घरों में आइसोलेशन में हैं, 224 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं और तकरीबन 139 यानी 139 मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है इस कोरोना वायरस के मर्ज जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको डील करने की, वो ऐसा है कि जो लोग घरों में आइसोलेट हो सकते हैं और ये वो लोग हैं जिनको कोई ख़ास सिम्टम्स ना हो या थोड़े हल्के फुल्के सिम्टम्स हों और उनके घर में ऐसी सहूलत मौजूद हो कि वो आइसोलेट हो सकें, हम उन्हें घरों में रख रहे हैं। और इसी मद में 380 अफराद घरों में हैं। जो जिनके घरों में ये सहूलत मौजूद ना हो और हम समझते हैं कि वो और घर वालों को इन्फेक्ट कर देंगे, उनको हम गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में रखते हैं। और 224 पेशेंट इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में और बाकी 139 अस्पतालों में हैं। जैसे मैंने बताया, हमने हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई हुई है और हर ज़िले में एडिक्वेट नंबर के मेंबर्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट रैपिड रिस्पॉन्स टीम का। इस रैपिड रिस्पॉन्स टीम का काम ये है कि वो कोरोना पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करे, उनके जो भी सस्पेक्ट्स हों उनको टेस्ट करे घरों में जाके, और टेस्ट होने के बाद अगर खुदा ना खास्ता उनका टेस्ट पॉजिटिव होता है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, जैसे मैंने कहा, होम आइसोलेशन, गवर्नमेंट के अस्पताल, गवर्नमेंट के आइसोलेशन सेंटर्स या बड़े अस्पताल जहाँ पर उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो। ये रैपिड रिस्पॉन्स टीम में हमारे पास ट्रेंड लोग हैं। मेरी इल्तिजा आप सबसे ये है कि आप अपने घरों में रहें, खुदा न खास्ता किसी को कोरोना वायरस का ख़दशा है तो वो गवर्नमेंट के नंबर्स आप सबको पता हैं, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करें, टीम खुद आपके पास आएगी। और उस वक्त तक जब तक टीम आ नहीं जाती और आपको सही हिदायत दे नहीं देती, आप किसी से मिले जुले ना। इस मर्ज का इलाज सिर्फ एक है, इस मर्ज का इलाज ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कह रहे हैं यानी एक दूसरे से दूर रहना, आप वो करें। ये जो मैंने आपको बताए 123 अफराद हमारे क्योर हुए हैं अभी तक, ये 123 अफराद इनको कोई दवा नहीं दी गई ख़ास, इनको कोई वैक्सीन नहीं दी गई, ये सिर्फ जब अलग बैठे थे सोशल आइसोलेशन में थे तो ये क्योर हुए हैं। और ये हम आपको बड़े तवस्सुत से कह सकते हैं कि एक बार कोई पेशेंट गवर्नमेंट के रडार पे आ जाता है उसके बाद हुकूमत उसका खुद ख्याल करती है, चाहे वो घर पे हो, घर पे उसको डॉक्टर जो है रोज़ाना टेलीफोन के ज़रिए उससे बात करके और इंश्योर करता है कि वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे। इस मर्ज का एक ही इलाज है, इस मर्ज का इलाज है एक दूसरे से दूर रहना। इस वक्त जो पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, हम अपना इसमें हिस्सा ऐसे ही डाल सकते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करें। आए आप सब मिलकर हुकूमत सिंध का साथ दें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, अपने घरों में रहें, एक दूसरे से दूर रहें। ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है, ख़ास तौर पे जो हमारी कच्ची आबादियां हैं, जो गरीब लोग जिन जगहों पे रहते हैं, अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे कोई केस हमें उन इलाकों से सामने नहीं आए हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें इन इलाकों में हो जाएगी।
अगर खुदा ना खास्ता इन इलाकों में केसेस आए, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत करीब करीब रहते हैं, एक ही घर में कई अफराद साथ रहते हैं, एक ही कमरे में कई अफराद साथ रहते हैं, और अगर इन इलाकों में किसी और वजह से ये फैल गया वायरस, तो इन इलाकों में कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जवाब दे देंगी, और इसी से बचने के लिए हमने ये लॉकडाउन की स्ट्रेटजी की है। इसी से बचने के लिए हमने कहा है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से ना मिलें, दुकानें बंद की हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद की हैं। इंशाल्लाह ताला अगर हम सब ने इसका मिलजुल के इस मर्ज का मुकाबला किया, और मुकाबला कोई इससे लड़ना नहीं है, मुकाबला ये है कि इससे दूर रहना है, मुकाबला इसका यह है कि आपस में नहीं मिलना है। अगर हम कुछ अरसा, जैसे कि अभी हुकूमत का फैसला है 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन होना है, अगर 14 अप्रैल तक हमने इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया, तो हम इस मर्ज से जान छुड़ाने में और इसकी वबा को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। आएँ आप सब मिलकर हमारा साथ दें, हुकूमत का साथ दें, एक कौम होके इस मर्ज का मुकाबला करें, और इसका मुकाबला करने का एक ही तरीका है, अपने घरों में रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।